तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो चलिए, मेरे शाम की बनाने की तैयारी हो गई है। तो मैं सोची आज सुबह बोंबिल की चटनी बनाती हूँ, टमाटर डाल के बहुत अच्छी बनती है। रोटी बनाऊंगी और टमाटर की इसकी चटनी बनाऊंगी, मतलब बोंबिल की चटनी बनाऊंगी। तो चलिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी रेसिपी में क्या क्या लगेगा, है ना। ये बोंबिल को मैंने अच्छे से काट के साफ करके, मतलब धो के भी मैंने उसको रख दी हूँ। अच्छे से इसको साफ करना है, उसको धोना है। मैं दो तीन पानी में धो के इसको रख दी हूँ, ऐसा बारीक बारीक भी इसे काटी हूँ मैंने। ये मैंने सूखे मसाले भी ली हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। नमक थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि बोंबिल सूखी बोंबिल में भी नमक होता है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही नमक ली हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। और ये मैंने तीन टमाटर ली हूँ बड़े बड़े, इसको भी मैंने बारीक बारीक काटी हूँ। और ये दो गड्डी कांदा है, कांदे को भी मैंने सब बारीक बारीक कटिंग करके ली हूँ। और एक चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ। और देखिए मैंने ना तेल भी गरम करने रखी हूँ। तो सबसे पहले हम बोंबिल हमारा गरम हो गया ना, तो हम बोंबिल थोड़े डाल देंगे। पहले बोंबिल को अच्छे से फ्राई करके ले लेते हैं। देखिए बोंबिल हमको अच्छे से लाल करना है, तो चलिए पहले बोंबिल लाल करके ले लेते हैं अच्छे से। बोंबिल हमारी फ्राई हो गई है। मैं जैसी फ्राई करने रखी ना, तो मेरा बाटला ही चला गया था। तभी मैंने बाटला लगाने वाला कोई नहीं था, निश्चय भाभी थे हमारे, सना भाभी, तो उनको बुला के मैंने बाटला लगाई फटाफट। तो देखिए चलिए फिर बताऊँ, देखो मेरी बोंबिल फ्राई हो गई है। तो अभी हम पहले बोंबिल निकाल लेते हैं उसको आराम आराम से। ये बोंबिल ऐसे सूखी भी खा सकते हैं, एक बोंबिल मुझे बहुत पसंद है। खाली अगर दाल चावल बनाएंगे ना, ऐसे बोंबिल खाली फ्राई कर लो और थोड़ी सी मिर्ची की बुक्की ऊपर छिनक दो और खा लो दाल चावल के साथ, एक नंबर लगती है, मस्त लगती है। ऐसी भी खाएंगे, मुस्कान तो ऐसे ही खा लेती है, उसको ऐसे ही पसंद आती है। देखिए आप लोग, मस्त एकदम तली गई है, एकदम कड़क कड़क हो गई है तल के। तो अभी हमारा जो तेल, वही तेल में हम कांदा भी फ्राई कर लेते हैं, कांदा लाल कर लेते हैं। मुझे ही सूट करना है, सुवान भाग रहा है, बोलता मेरे को जल्दी दो जल्दी दो। बच्चे लोग है ना, दो बात नहीं सुनते। हमारा लाल हो गया है, अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, है ना। अदरक लहसुन का पेस्ट रेड करेंगे, फिर इसको अच्छे से दो मिनट तक, इसको ज़्यादा नहीं, अच्छे दो मिनट तक इसको भून लेंगे पहले अच्छे से। सही भून लेंगे लहसुन भी मैं डाल के अच्छे से उसको भून के ले ली हूँ। फिर हम साथ ही में हमारे जो सूखे मसाले थे ना, इसको भी ऐड कर देंगे, सूखे मसाले ऐड कर देंगे। और साथ ही में हम टमाटर भी डाल देंगे। तो चलिए अभी सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करके ले लेती हूँ। मैंने अच्छे से मिक्स करके ले ली हूँ, टमाटर मसाला वसाला सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम इसको ढक देंगे, अभी ढक से इसको 5 मिनट तक ढक के पकने देंगे, ताकि टमाटर मसाला हमारा अच्छे से पक जाए। 5 मिनट हमारा हो गया है, टमाटर डाल के मसाला डाल के, देख सकते हैं आप लोग, टमाटर मसाला सब हमारा अच्छे से पक चुका है, तेल भी इसमें निकल आया है। जब मैंने टमाटर डाली थी ना, तो इसमें थोड़ा सा मतलब लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दी थी, थोड़ा सा डाली थी खाली, इसे चम्मच के धोने के पुरता डाली थी हल्का सा, ताकि जले ना। फिर इसके बाद देखो मसाला भी हमारा अच्छे से मैंने भून के ले ली हूँ। अभी हम जो बोंबिल फ्राई करके रखे थे ना, तो बोंबिल इसमें ऐड कर देंगे, बोंबिल ऐड करेंगे, फिर अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स करके लेते हैं, मिक्स करके ले ली हूँ। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ताकि हमारी बोंबिल भी गलना चाहिए ना अच्छे से। फ्राई तो हमने कर लिए थे, अभी बोंबिल भी गलना चाहिए बोल के थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप जितना पानी हम डालेंगे इसके अंदर। अब इसको हम पकने देंगे, कम से कम 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। हमारा हो गया है बोंबिल भी, मसाले हमारी गल गई एकदम अच्छे से, आप लोग देख सकते हैं, है ना, एकदम मस्त बनी है बोंबिल। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी कोथमीर, थोड़ी सी कोथमीर ऐड कर देंगे। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग भी ऐसी ही चटनी बना के खाइए। ये चटनी के साथ मैंने, देखिए आटा भी मैंने गूंद के रखी हूँ, अब इसके साथ मैं रोटी बनाऊँगी। और मैंने थोड़ा सा चावल बनाई, क्योंकि बच्चे लोग को रोटी भी बनाती हूँ ना, तो चावल लगता ही है। तो चलिए हमारी भी चटनी बन के हो गई तैयार, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप लोग भी ज़रूर बना के खाइए। रोटी बन रही है, यहाँ पे मैं बेल रहे हैं, और उसमें भी रोटी आधी बन चुकी है,
यहाँ पे मेरे, और अचानक से बाटला चला गया था तो हम लोगों ने अभी बाटला लगाया सब, मैंने ये सब सही करी, बाटला अचानक चला गया तो बहुत फजी था। रोटी बिटी भी बन गई, मेरा हमारा खाना भी हो गया है, बिस्तर भी लग गया, अभी सोने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी बताना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, लाइक शेयर ज़रूर करना आप लोग भी मेरी रेसिपी को, और प्लीज़ हम क्या हमारे भी 9000 बहुत 8000 के बहुत हम लोग करीब है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। सो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापस एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय। लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ, मी इन द डार्क सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ, टू द मूनलाइट आई सी यू, आई रियल राइट नाउ।